एक्सेल खोलना बहुत आसान है, आप सब लोग तो जानते हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हो ही गया था, ठीक है। ये सॉर्टिंग वगैरह को मैं बताया था नहीं बताया था, चलिए बता भी दिया था तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। बुक वन में आता हूँ, कुछ डेटा इसमें नहीं है, डेटा वन में डाल जाता हूँ, इसमें कुछ डेटा है, और डेटा में जाता हूँ, इसमें भी कुछ डेटा है, अच्छा वही डेटा इसमें दूसरे फॉर्मेट में है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ ना कि सबको मान लो एक बार मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आया मैं यहाँ पे, ठीक है, आता हूँ इसमें, ठीक है, ये देख लीजिए आप हो रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, फिर कर देता हूँ ए टू जेड, ठीक है, ये देखिए आ गया। फिर से इसको मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, ठीक कर दिया ना। चलिए फिर इसको चाहेंगे हम तो असेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, हो गया, लेकिन मजा नहीं आया, ठीक है। आता हूं मैं सॉर्ट में, ठीक है, पहले जो सॉर्ट हुआ ये वाला खाली आगे पीछे हुआ था, ये पूरा डेटा तो नहीं हुआ था ना, मेरे को पूरा डेटा करना है भाई, ठीक है। तो पूरा डेटा के लिए क्या करूंगा, इसको छोटा करूंगा, ठीक है। तो इसको छोटा करने से या बड़ा करने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। माई डेटा हैज हेडर रहने देता हूं, ठीक है, कर दिया ओके, क्या कुछ हुआ नहीं, मजा नहीं आया। स्मॉलेस्ट टू लार्ज था इसलिए मजा नहीं आया। इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये देख लीजिए हो गया जी, अमित आ गया नीचे, बाकी लोग चले गए ऊपर, ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया है। यहाँ पे मैं बदल दूंगा, नेम कर दूंगा जी, तो जेड टू ए हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, चलो जी मैं ए टू जेड कर दिया, तो अमित आ गया ऊपर, जसवाल भी ऊपर चला गया, ठीक है। इसमें आया, ओके कर दिया, अब जसवाल दोबारा नीचे आ गया, ठीक है, अमित तो खैर आ ही गया नीचे। तो यही है जी फिल्टर, बाकी तो कुछ, मैं फिल्टर में क्यों क्लिक कर रहा हूँ, यही है जी सॉर्टिंग, बाकी तो कुछ रखा नहीं। मान लो ना कि सबसे पहले जो है मैंने सीरियल नंबर को सॉर्ट किया, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, ठीक, उसके बाद जो है वैल्यू सेल का कलर आइकन के आधार पे, बाकी भी सेल कलर के भी आधार पे आप कर सकते हैं, पर सेल कलर तो दिया नहीं तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। अब चाहते हैं कि सीरियल नंबर के बाद कुछ और भी ले, जैसे मान लो सीरियल नंबर एक ही मिल गया, तो उस केस में नेम को ले लो, नेम के अकॉर्डिंग कर दो जी, ठीक है, क्लिक करूंगा तो ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है। पहले क्या था, जसवाल साहब जो है अमित के नीचे थे कि ऊपर थे पता नहीं मेरे को, ठीक है, ऐसा करूंगा मैं, फिर से इसको दूंगा बदल, तो ये डिफरेंट हो जाएगा जी। कस्टम लिस्ट नहीं यार, मुझे कस्टम लिस्ट नहीं करना है, ए टू जेड, डिलीट, ठीक, अब नेम के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए हो रहा है, 8 3 5 पता नहीं क्या क्या हो गया, नेम के अकॉर्डिंग कर दिया ये, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा अब इसको भी, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, तो फिर फिल्टरिंग हुआ, ठीक है, कुछ हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, ये देख लो जी फिर से फिल्टरिंग हो गया, पहले नेम को लिया फिर इन सब को ले लिया बाकी, ठीक है, जैसे भी किया हो कर दिया ना, ठीक है, बाकी से क्या लेना देना है, क्यों। तो आप ऐसे सॉर्टिंग वगैरह कर लोगे, जितना चाहो कॉलम का इधर बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है, ये सब सारे कॉलम अपने आप इधर आएंगे, कब आएंगे जी, जब आप क्या बोलते हैं इन सब को सेलेक्ट कर लोगे तब आएगा, ठीक है। तो आगे चलें जी, आप सब लोग ज्ञानी हो इंटेलिजेंट हो, आगे चलते हैं आप, ठीक है। तो सॉर्टिंग यही है, बाकी कुछ है नहीं। आप ऐसा काम करना, ठीक है, आपके पड़ोस में जितने लोग होंगे सभी का नाम लिखना, क्लास लिखना, उनका एड्रेस लिखना,
फीस कितना दिए हैं वो लिख लेना, ठीक है, और सब 1000-2000 ऐसे लिस्ट बना लेना, फिर उस पर सॉर्टिंग करना तो बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है फिल्टर करना। फिल्टर करना तो बहुत आसान है जी, आप सब लोग ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, कर ही लोगे फिल्टर, हो जाएगा ना? नहीं होगा, ये तो बहुत बेइंसाफी है। चलिए इसको पकड़ के मैं फिल्टर पे क्लिक कर दिया तो लग गया फिल्टर। अब मैं क्या करूंगा, नेम पे आऊंगा, इधर पे आऊंगा, जसवाल को हटा दूंगा, सबको हटा दूंगा, और अमित को कह दूंगा कि तू आ जा, तो अमित आ गया, ठीक है। अब कहूंगा कि अमित नाम का स्टूडेंट कोई, छोड़ दो रहने दो, नहीं कहूंगा कुछ, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अब मैं कहता हूं कि अमित को भी बुला लो जी, जयसवाल को भी बुला लो जी, बाकी को भगा दो, बाकी सब भाग गए, दो लोग आ गए, ठीक है। तो ये सब टेक्निक है, ठीक है। इसको मैं पकड़ के खींचता हूं तो देखना क्या होगा। कुछ नहीं हुआ जी, मजा नहीं आया, मेरे को लगा कुछ जादू हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आता हूं, इसमें भी मैं फिल्टरिंग कर दूंगा 5, ठीक है। तो ये देख लो आ गया जी, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सारा फिल्टर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर क्लियर हो गया सबको, लेकिन इस फिल्टर से ना मजा नहीं आया, ठीक है। मान लो यहाँ पे तो कुछ डेटा है, ठीक है, 1000 डेटा होता तो क्या हम ऐसे ही एक एक ठो नाम नाम लिखते? यहाँ पे आके अगर 10 कोर्स होता तो एक एक ठो सेलेक्ट करते, मजा नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एडवांस फिल्टरिंग में काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि एडवांस फिल्टर में थोड़ा काम करना चाहिए, मतलब इस वाले में, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर काम कैसे करता है, एक दो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी टेक्निक आप खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीख जाना, नहीं सीखना तो बताना, मैं मदद करूंगा आपको, ठीक है। चलिए जी, सबको सेलेक्ट कर लो या मत करो, एडवांस पे बस क्लिक कर दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, लेकिन इसके पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे आ जाता हूं जी, पेस्ट हो गया यहाँ पे, इसको मूव करके यहां ले लाता हूं, गलत जगह से, गलती से पेस्ट हो गया था, एंटर दबा के, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं ना, कि जिसका नाम क्या है, अमित, ठीक, और जिसका जो क्लास इसका क्या है, DCA, ठीक। तो जिसका नाम अमित है और क्लास DCA है, ठीक है, उसका डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए, ठीक ठीक है ना, यहाँ पे आया, हटा दिया, इक्वल टू का साइन दूंगा, डबल कोट शुरू करूंगा, लिख दूंगा अमित, ठीक, इक्वल टू का साइन बंद, अरे डबल कोट बंद, ठीक, एंटर मारा, फिर यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ और फिर करता हूँ DCA, ठीक है, एंटर किया। ये डेटा के अकॉर्डिंग मुझे फिल्टरिंग करना है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूँगा, रेंज बोल रहा है, लिस्ट रेंज, ये बोल रहा है कि मुझे वो लिस्ट दे दो जिस लिस्ट से फिल्टरिंग करना है, तो ये वाला सिलेक्टेड हो गया। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि जी मुझे क्राइटेरिया बता दो, कि जिस क्राइटेरिया माने जिस कंडीशन के आधार पे मुझे फिल्टरिंग करना है, मैं बोला ले लो भाई ये, ठीक है, ये ले लिया। अब ये बोल रहा है ना, कॉपी टू अनदर लोकेशन या फिर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ठीक है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, नहीं जी फिल्टर कर दो यहीं पे, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया, डेटा हो गया फिल्टरिंग, हो गया ना। अब इसको चाहो तो प्रिंट कर लो जी, प्रीव्यू में जाओ, यहाँ पे आओ, अब ये आ रहा है दोनों, ठीक। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों डेटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, उस आदमी को क्या हो गया जी, यो निकल लिया, उसको मजा नहीं आया पढ़ने में। आपको अगर नॉन स्टॉप खांसी आ रहा है तो आप हल्दी कह रहा हूँ यार, आधी चूसना शुरू कर दो, ठीक है, तो आपका खांसी रुक जाएगा, ठीक है। तो अब से आप लोग भी इस्तेमाल कर लेना, ठीक। मेरा सवाल का उत्तर ये है, ठीक है,
कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये फिल्टर्ड डेटा है और ये सिलेक्टेड डेटा है, ठीक है, ये डेटा के आधार पे फिल्टर हुआ। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, अभी प्रिंट करूंगा तो ये दोनों आ जाएगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूं तो सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट हो, ये डेटा प्रिंट ना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए जरा आप लोग बताइए बताइए। भूल गए, याद नहीं, सिर दर्द, पेट दर्द, प्रैक्टिस नहीं किया, आए नहीं थे इसलिए हमको नहीं मालूम, इतने सारे बहाने मेरे को याद है, इसके अलावा दूसरा बहाना मन करे तो बता दो, बताओगे, बताने का इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है बताने का। सिंपल सा बात है, इसको सिलेक्ट करो, जाओ पेज लेआउट में, यहाँ प्रिंट एरिया है, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो और प्रीव्यू देख लो। बताया था मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का याददाश्त लगता है मेरे से भी कमजोर है। अब ये बात जान के मुझे गर्व हो रहा है कि मैं अकेले कमजोर याददाश्त वाला नहीं हूँ, और लोग भी हैं, ठीक है। चलिए जी, क्लियर प्रिंट एरिया पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा और प्रीव्यू में अब सारा दिखेगा, तो इस तरह से आप प्रिंट कर लोगे, ठीक है। चलिए जी, फिर से आता हूँ मैं डेटा में, अब मैं कहाँ था, क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा फिल्टर। अब मैं क्या चाह रहा हूं ना, ये लीजिए, पकड़ के खींच लिया इसको, इसको और इसको, दोनों को मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं क्लास टाइप कर रहा हूं DCA, जितने लोग DCA का हैं उन सभी का डेटा DCA, ठीक है, कुछ भी नंबर हो या फिर कैरेक्टर हो, सब डबल कोट में आप लिख दो, ठीक, जिसका डेटा DCA हो, एक क्लास DCA, और पिन कोड क्या हो जी, इक्वल टू का साइन दिया, ये किया, पिन कोड होना चाहिए 49725 497225, ये पिन कोड हो, उसका डेटा जी मुझे फिल्टर करके जरा दे देना, ठीक है। तो एक्सेल बोलेगा फिर कि जी मेरे कानून के हिसाब से, मतलब मेरे भाषा में बोलो, तो इसके भाषा में एडवांस फिल्टर में गया, क्राइटेरिया से ले लिस्ट रेंज सेलेक्ट किया, बोल रहा है क्राइटेरिया सेलेक्ट करो, क्राइटेरिया में ऐसे सेलेक्ट किया, कर दिया जी, ओके, ये तीनों जो है फिल्टर के सामने आपके आ गए, राइट। तो आप लोग इस तरह से तो फिल्टरिंग कर ही लोगे, बड़ा आसान काम है, हो जाएगा ना। रिव्यू हो जाएगा, बड़ा आसान काम है, नहीं होगा, हो जाएगा ना, सब लोग चुपचाप हैं, फिर से बताने का जरूरत है। सबसे पहले इन सब को मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक, क्लियर कर दूंगा फिल्टर, ऐसा आ गया, ये डेटा मैंने तैयार किया है, ठीक है। इसी को मैंने क्या किया है, कॉलम को कॉपी यहां पे किया है और यहां पे आकर के एंटर दबा के पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, नीचे लिखा था भी है कि प्रेस एंटर टू पेस्ट, ठीक है। और मैं क्या किया, मुझे क्लास करना था ना फिल्टर, इक्वल टू का साइन दूंगा यहाँ पे, ठीक है, डबल कोट में लिख दूंगा DCA, ऐसे टैब मार दिया, फिर इक्वल टू का साइन दिया, डबल कोट किया, ऐसे, फिर अब लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो क्या होगा, क्लास वाले मतलब DCA वाले सेल में चला जाएगा, इसलिए F2 दबा करके मैं फिर लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो इधर आ जाऊंगा, बीच में आ गया। अब 497225 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को फिल्टर करना है, एडवांस फिल्टर में गया जी, लिस्ट रेंज बोल रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, अब बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ जी, मैं बोल दिया ये ले लो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मैं सिलेक्ट कर दिया, इसको कम सिलेक्ट करता हूँ, ओके, फिल्टर ओके, रेडी हो गया। अब आप इसको प्रिंट कर लो, ठीक है, हो गया, बड़ा आसान काम है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट बटन है जी इस फिल्टर का, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ये बड़ा आसान काम है, ठीक। थोड़ा और फिल्टर देखते हैं जी, मैं दूसरा सीट ए खोला था ना, ये देख लो जी, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबा के कंट्रोल सी, आया नीचे और बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर चॉइस पेस्ट, एंटर दबा दिया, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आता हूँ मैं क्लास में, इक्वल टू का साइन देता हूँ, लिखता हूँ PGDCA, राइट। अब फिर से मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा सीधा तो नेम वाले में चल जाएगा, करके दिखा दूँ, ये देख लीजिए जी, जा रहा था बोल दिया फॉर्मूला गलत टाइप किए हो, यस मैं कर दिया,
ये आ गया इधर, ये लगा दिया आपने आप जो है डबल कोट यहाँ। अब फीस में मैं क्या बोलता हूँ जी, फीस में मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका फीस 17,000 रुपये जमा है, ठीक, जरा उसका तो फीस दिखाना मेरे को, ठीक है, तो 17 लिखा, ठीक है, और 1,000 लिखा, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 17,000 ही है ना, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है जी, क्या करें, एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, एडवांस फिल्टर में मैं जाऊँगा, लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे आऊँगा, सिलेक्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा जी, ओके। तो ये 17,000 वाले आ गए, मैं देखा कि इतने दो लोग हैं जो 17,000 रुपये फीस जमा कर दिया, मैं देख के बहुत खुश होऊंगा, वाह क्या बात है, पैसे का बरसात हो रहे हैं, ठीक है। तब तक बॉस आया उधर से, बोले अरे पैसे का बरसात अभी नहीं हुआ है, चेक करो कि 17,000 से कम किसका है। तब क्या करें, अब मजबूरी हो गया चेक करना, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आया, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, मेरा बॉस मेरे को क्या बोला जी, 17,000 से कम किसका फीस है जरा पता लगाओ पीजीडीसीए में, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, 17,000 से कम, ठीक, मतलब लेस देन 17,000, यही होगा ना, लेस देन 17,000 में लिखूंगा, कर दूंगा एंटर, ठीक। अब क्या करूंगा, यहां पे सिलेक्ट करूंगा, ऐसे यहां पे आऊंगा जी, फिर रेंज सिलेक्ट करूंगा, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लूंगा, आप यहां पे आऊंगा, कर दूंगा जी ओके, फिल्टर में आ गया जीरो। फिर मैं बॉस को कहूंगा जी पीजीडीसीए में सारे लोग 17,000 जमा कर दिए हैं, ठीक। यहां पे 17,000 से नीचे कोई नहीं था पीजीडीसीए में, ठीक है। अगर मैं किया होता यहां पे कि 17,000 से छोटा हो या बराबर हो उसको भी दिखाओ तो 17,000 दिखा देता, ठीक, लेकिन 17,000 से तो छोटा है नहीं तो नहीं दिखाया, ठीक। मैं फिल्टर को क्लियर करता हूँ। अब फिर से आया बॉस, बोला कि जरा आप डीसीए का चेक कर लो एक बार, ठीक है, डीसीए में क्या 17,000 लोग सारे दे दिए हैं। मैं ऐसे करूँगा, एंटर मारूंगा जी, ठीक है, डीसीए में एक तो है, क्या करता हूँ ना, एक आख रिकॉर्ड और यहाँ पे डाल ही देता हूँ, ठीक है, 105, क्या इसमें नाम बताओ यार, एक आध श्याम डाल दूँ, डाल दिया, डीसीए डाल दिया, इसको दे देता हूँ मैं 17,000 रुपये, ये जमा कर दिया है, ये तो एक दो लो जी, ठीक। पिन कोड में कुछ भी डाल दिया मैं ऐसे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, लेस देन 17 चेक कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा जी, एडवांस फिल्टर में जाऊँगा, सिलेक्टेड है रेंज, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लूँगा, कर दूँगा जी ओके। तो पता चल जाएगा मुझे कि अमित है, सुमित है डीसीए में, जो कि ये इतना दिया है, ये इतना दिया है, ठीक है, 17,000 से कम ये लोग हैं, ठीक। अब फिर से अब मैं चेक करूँगा कि जिसका 17,000 है उसका लिस्ट मुझे किसी को देना है, क्या करूँगा जी, यहाँ पे आऊँगा, सिर्फ 17,000 लिख के एंटर मारूंगा। अगर 17,000 से बड़ा चेक करना है तो ग्रेटर देन 17,000 यहाँ पे लिखूंगा, या फिर 17,000 से बड़ा या 17,000 के बराबर अगर है तो ये करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। चलिए जी चेक करते हैं ये लिस्ट को। मैं अब चेक ये कर रहा हूं कि 17,000 या 17,000 से बड़ा किसका है और क्लास डीसीए किसका है वो बता दो। यहां पे आया, लिस्ट सिलेक्टेड है, और यहां पे आऊंगा मैं और फिर कर दूंगा ये, ठीक। ये देखिए जी आ गया, बड़ा आसान काम है, आप लोग कर लेना। चलिए पीजीडीसीए में यही करेंगे तो आसानी से हो जाएगा जी ऐसे, ठीक है। ये लो सिलेक्ट किया रेंज, मैं बोल रहा हूं कॉपी टू अनदर लोकेशन अब की बार, ठीक है। यहां पे आऊंगा, क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैं क्राइटेरिया। अब बोल रहा है कॉपी कहाँ करना है उसको भी तो बता दो, मैं बोला जी यहाँ कर दो, ठीक है, कर दिया। ये देख लीजिए यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक, जितना था 17,000 से ऊपर या 17,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम फिल्टरिंग कर लेंगे जी, ठीक है। अच्छा जरा सोचो आप लोग, डिलीट करता हूँ इसको, कितना आसान होता ना, यहाँ पे लिख देता पीजीडीसीए, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन, और फिर मार देता एंटर या फिर कुछ और कर देता रिफ्रेश उफ्रेश, और जो है
एक बटन पे क्लिक कर देता और जो है अपने आप फिल्टरिंग हो जाता, फॉर्मूला बार बार नहीं लगाना पड़ता, अच्छा था ना। ये हो जाएगा जो है मैक्रोज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो, लेकिन मैक्रोज में अभी बताया नहीं हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैक्रोज का इस्तेमाल अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्रोज का इस्तेमाल मैं आपको बता दूंगा जब पहुंचूंगा व्यू वाले पे, ठीक है। तो आगे चले जी, ये फिल्टरिंग तो आपको आ गया होगा, बड़ा आसान काम था, ये चल ना रहा है, चलो चल रहा है ये। तो फिल्टरिंग में किसी को कुछ और दिक्कत है तो पूछ लो जी, और दिक्कत नहीं हो तो बता दो कि दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा आगे चलूंगा। है दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक चीज मैं भूल रहा था, इसको कर लेता हूं, ऐसे मैं कट कर लूं, कटे कर देता हूं, यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, इतना सभी को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, कंट्रोल माइनस दबा दिया, मजाक कर रहा है ये तो अब, हाँ अब सही है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लगा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देख लो आप ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल टू का साइन, ले लीजिए, ठीक, अपने आप लगा लिया ये डबल कोट इधर, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा एडवांस फिल्टरिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आया, डिफरेंट सीट पे कैसे करेंगे, दूसरे सीट में डेटा हो तो, लिस्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, बोल रहा है। अब यहाँ पे कर दूंगा कॉपी लोकेशन, ठीक, कॉपी अदर लोकेशन पे मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो इसी पे मैं आऊंगा, ठीक है। ये तो आने नहीं देगा लग रहा है मेरे को, अच्छा ये क्राइटेरिया नहीं, ये तो मेरा इस चीज का लिस्ट है, शायद नहीं आने देगा मुझे, यही लग रहा है। यहाँ पे आता हूँ जी, रेंज सेलेक्ट हो गया, ठीक है, कॉपी अदर लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं आ सकता हूँ इसमें, नहीं आ सकता शायद, नहीं आ सकता मैं, लगता है इस पे आया, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा क्राइटेरिया वाले पे, अब तो आने देगा, अब सिलेक्ट कर लूंगा इसको ऐसे, ठीक, अब इसको ऐसे कर लूंगा, ठीक है। अब बोल, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया था कि कॉपी अनदर लोकेशन, उसी में फिल्टर मत करो, अनदर लोकेशन पे, ठीक है। अब इस पे आऊंगा मैं जी, ठीक है, अब फिर कॉपी कहाँ करना है क्राइटेरिया बताओ, ठीक, मैं इस पे आया और फिर यहाँ पे आए, ऐसे क्राइटेरिया ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और फिर कर दिया ओके, फिल्टर किया नहीं किया जी, फिल्टर नहीं किया ना, ये तो मजा नहीं आया, शायद कुछ हमने एरर, कुछ गलतियां हमने किया है शायद, मेरे को यही लग रहा है। इस पे आ जाता हूं जी मैं, ये ठीक है, PGDCA है रिकॉर्ड, तो अब आना चाहिए जी, ठीक है। एडवांस फिल्टर कॉपी अनदर लोकेशन बोल रहा है लिस्ट के लिए, मैं यहाँ पे आऊँगा, लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, दे दूँगा क्राइटेरिया ऐसे, ठीक है, फिर से मैं इसको किया, ये ले लिया, ठीक है, यहां पे आऊंगा मैं, ठीक है, कर दूंगा इस पे क्लिक, मैं किस पे क्लिक किया, अच्छा क्राइटेरिया में ना, इसमें क्लिक कर देता हूं मैं, ठीक है, चलो जी, मुझे लगता है कि शायद ना आए, अच्छा आ गया, क्या बोल रहा है जी, 17,000, 10,000, हाँ 17,000 वाला यहाँ पे लिस्ट हमारा आ गया है, ठीक है, कर लिया करना ऐसे, बड़ा आसान काम है ये तो। अब ऊपर वाला प्रिंट ना हो जी, नीचे वाला प्रिंट हो, ठीक,
तो सेट कर लिया करना यार प्रिंट एरिया, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ऐसे। ये देखिए हो गया प्रिंट एरिया सेट, अब प्रीव्यू देखूंगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, राइट। बड़ा आसान काम है ये सब, तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा फिर चुपचाप देखो, कुछ बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा, नहीं बोलोगे तो क्या कहूंगा, सब ज्ञानी लोग हैं, सबको सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो जी पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो मैं आगे चलूं फिर। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, आगे चलें, पीछे समझ में आया, कुछ नहीं आया, आया, आगे चलें, चलें आगे, ठीक है, चलते हैं जी आगे, जब सबको समझ में आ गया तो। अब करता हूं मैं इसको डिलीट। अगला क्या है, ये बोल रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक, ये इसका कहना ये है कि टेक्स्ट कुछ लिखो जी, मैं उसको कॉलम में बना दूंगा, मैं ट्राई करके देखता हूं कुछ लिख के, ठीक है। नेम क्लास आर ओ एल एल अंडरस्कोर एन ओ, ठीक, मैं टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख दिया, अब इसको करता हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे लाते थे ना गेट एक्सटर्नल डेटा पे जाके और वही करके, ठीक है, डेलिमीटर करूँगा, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब ये बोल रहा है टैब सेमी कॉलन या कॉमा या फिर स्पेस, ठीक है, मैं स्पेस के सारे सेपरेट किया हूँ तो स्पेस पे जैसे ही क्लिक किया लाइनिंग आके रेडी हो गया, अब मैं इस पर कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक। अब ये बोल रहा है मैं कर दूंगा ओके, ये डेलिमीटर्स वगैरह के लिए बोल रहा है, कर दूंगा फिनिश। ये देख लो जी, कुछ हमने टेक्स्ट लिखा था वो कॉलम बन के रेडी हो गया है, ठीक। तो टेक्स्ट को कॉलम में आप बना लोगे, ठीक है, जैसे मान लो विन वर्ड, ठीक है, वर्ड में आपने कुछ लिखा है, नेम क्लास रोल नंबर MOBILE मोबाइल, फिर क्या लिख दूं, रजिस्ट्रेशन नंबर, फीस, और क्या लिख दूं, आधार नंबर NUMBER, और पेन नंबर, ठीक है, और AC नंबर, और जन्म कुंडली, ठीक है, सारा जन्म कुंडली लिख दो जी यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं कॉपी करता हूँ इसको ऐसे और आता हूँ एक्सेल में, ठीक है, डबल क्लिक पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट करना है, बड़े आसानी से मैं आऊंगा इस पे, फिर आ जाऊंगा डेलिमीटर में, कर दूंगा नेक्स्ट, टैब सेमी कॉलन सब में मैं उस समय सेलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे आ गया, स्पेस स्पेस दे के मैं किया हूँ, एक बार कर दिया फिनिश, एक बार में सब बन के रेडी हो गया ये, ठीक। अच्छा ये बन के तो रेडी हो गया, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि जो फिल्टरिंग बताया था ना, मान लीजिए आपका डेटा बढ़ गया, ठीक, ये डेटा मान लो अगर बढ़ गया तो कैसे होगा, डायनामिकली फिल्टरिंग कैसे होगा, कंट्रोल टी दबा के टेबल बना लेना यार, ठीक है, तो हो जाएगा, बना के देखना, नहीं समझ में आएगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है, बना के एक बार देखना, टेबल में बना लेना, फिर रेंज वगैरह सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो होगा, मैक्रोज वगैरह से हो जाएगा, ठीक है, पर मैक्रोज का इस्तेमाल अभी आप मत करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और इसको टेबल में अगर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, नहीं बनेगा आप लोग से तो बताना, ठीक है। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे जी इस तरह से कन्वर्ट, तो हो जाएगा, बड़ा आसान काम है, हो जाएगा ना, टेक्स्ट टू कॉलम। चलिए जी डिलीट कर दिया। अगला बोल रहा है रिमूव डुप्लीकेट, ठीक, मान लो ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, आया यहां पे, कर दिया एंटर, अब ये डेटा में से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है, तो क्या करूंगा, सिंपल इस पे क्लिक करूंगा, बोल रहा है कॉलम ए का कर दूं क्या, मैं बोला हाँ,
हो गया, तीन डेटा बचा, बाकी सब गायब कर दिया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिमूव डुप्लीकेट डेटा। ठीक, डुप्लीकेट डेटा जितना होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए जी, मैं आगे चलूँगा। फिर आगे चले, ठीक है जी। अगला है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा या इस पर सीधा क्लिक कर दूंगा तो कुछ ये खुलेगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है सेटिंग, यहाँ पे है इनपुट मैसेज, यहाँ पे है एरर का अलर्ट। ठीक, आ जाऊँगा मैं इस पर, यहाँ पे लिखा एनी वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ एनी मत करो नंबर। ठीक, तो जब नंबर किया तो बोल रहा है इग्नोर कर दो ब्लैंक, मतलब अगर ब्लैंक छोड़ दिया है तो उसको रहने दे कि गायब कर दे। सबसे पहले क्या करो ना कि क्या करूं मैं इस सेल को सिलेक्ट किया हूं। ठीक, इसमें क्लिक किया, एनू वैल्यू के जगह पे आ गया नंबर। ठीक, अब ये बोल रहा है बिटवीन करो कि नॉट इक्वल करो, लंबा चौड़ा दे रहा है प्रोसेस। ठीक है, मैं पहले बिटवीन बताता हूं, मिनिमम नंबर कितना टाइप कर सके सामने वाला, मैं कह दिया एक जी। मैक्सिमम वैल्यू कितना टाइप कर सके, मैं कह दिया 100 जी। ओके, जैसे ही किया, यहाँ पे टाइप 101 नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में इतना दम नहीं है। ठीक, वही 100 टाइप कर दिया तो टाइप हो गया, लेकिन इतना टाइप नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे जी। फिर से मैं इसमें आया, यही रहने दूंगा। अब बिटवीन किया था, अब इसके बाद है नॉट बिटवीन। ठीक, नॉट बिटवीन में क्या होगा कि इसमें मैं ये बोल रहा हूं ना कि एक से लेके 100 तक के बीच का डेटा ना टाइप हो, इसके अलावा सब हो, उल्टा बिटवीन के उल्टा नॉट बिटवीन। ओके कर दिया जी। अब यहां से तो पहले से टाइप है, अब मैं यहां पे फिर से टाइप करके एंटर करूंगा तो अब नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 101 टाइप करूंगा तो हो जाएगा। हो गया, तो नॉट बिटवीन का क्या मतलब जी, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके अलावे बताओ। ठीक, उसके बाद है इक्वल टू। ठीक, क्या डेटा टाइप होना चाहिए, मैं बोल दिया जी वाटरफंगर ब्लॉक का पिन कोड क्या है, 4497225। ठीक, इसके अलावे सामने वाला कुछ 6 टाइप ना कर सके, मैं कर दिया एंटर। अब यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ 6 टाइप करके एंटर करूँगा तो नहीं होगा, कुछ भी टाइप करके एंटर करूँगा तो नहीं होगा, जब होगा तो क्या होगा, 4972225 एंटर करूंगा तो ये ले लिया। ठीक, तो ये इक्वल टू का मतलब माने इसके बराबर होना चाहिए जी। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉट इक्वल टू। ठीक, नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है कि जो डेटा मैं यहां दे रहा हूं उसको ना ले, ठीक, उसके अलावा सब कुछ ले ले। ठीक, अच्छा ये इग्नोर ब्लैंक का मतलब नहीं बताया ना आपको, इग्नोर ब्लैंक अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, 49 72 25 वाला डेटा ना ले, बाकी सारा डेटा ले ले, नॉट इक्वल टू का मतलब यही है। ठीक, इसमें आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप करके एंटर किया, ले लिया, लेकिन 4972225 एंटर किया, अब नहीं ले रहा है ये। ठीक, इसके अलावा कुछ और ले लेगा ये, लेकिन 49 72 25 नहीं लेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इग्नोर ब्लैंक पे मैं क्लिक किया था तो यहाँ पे अब आके मैं ब्लैंक छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन इग्नोर ब्लैंक पे अगर मैं क्लिक नहीं किया होता तो क्या होता, आप देख लीजिए, देख लेते हैं क्या होता है। ये तो मैं फिर भी जाइए रहा हूँ, नंबर नॉट इक्वल टू, इसको मैं थोड़े देर के लिए इक्वल टू ही कर दे रहा हूं। यहां पे आता हूं, डेटा वैलिडेशन, नंबर इक्वल टू को इक्वल टू ही छोड़ दो जी। ठीक है, यहां पे क्या टाइप कर दिया, 49 72 25 यहां है ही है, ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नहीं आ रहा है, डिलीट किया। अब देखिए, ब्लैंक मैं छोड़ना चाह रहा हूँ ना, इसको ब्लैंक कर दिया, अब एंटर मार रहा हूँ तो नहीं लेगा। ठीक,
तो ब्लैंक में नहीं लेगा अब मेरे को टाइप करना पड़ेगा 497225। ठीक, अब नॉट इक्वल टू के केस में क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि ये तो ब्लैंक ही है ना, कर देता हूं नॉट इक्वल टू और यहां पे आके 497225। चार नौ सात दो दो पाँच एंटर, ये नहीं लेगा, डिलीट किया एंटर, तो ये क्या है 497225, तो इसमें टाइप नहीं है ना, ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ है क्या, ये बोल रहा है ग्रेटर देन लेस देन। ठीक, जैसे मान लो मैं ये चाह रहा हूं ना कि क्या करते हैं लोग, मैंने बोला ये कि डीसीए का जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस वो है 10,000, पीजीडीसी का जो है वो 20,000 रुपए है। ठीक, अब ये है कि मैं ये अपने 100 सीट में एंट्री कर लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंट्री नहीं करूंगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जी। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, फीस वाले कॉलम को क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे, जितना होगा फीस वाला कॉलम, या फिर यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहां पे क्लिक करो, या फिर पूरा रो सेलेक्ट करना है तो यहां पे सेलेक्ट करो, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे पकड़ के सेलेक्ट करो, तो पूरा इधर तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पे मैं आऊंगा, ठीक है, वैलिडेशन पे जाऊंगा और यहां पे कर दूंगा ग्रेटर देन। ठीक, और यहां पे आऊंगा क्या, डीसीए का फीस 10,000 रुपए ना, मैं पूरा कॉलम में वैलिडेशन लगा दूंगा। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000 ही है ना कि जी, ग्रेटर देन ए है मिनिमम वैल्यू, 10,000 से ऊपर अगर है, ठीक है, तो क्या करो, फीस ले लो, मतलब नाम लिखने दो यहां पे। ठीक है, 10,000 से नीचे अगर कोई टाइप करे तो ना लिखने दो। ठीक है, तो क्लिक किया इस पे, सैकड़ा, हजार, 10,000, एंटर, इसमें एक बढ़ा देता हूं, ये लो हो गया, ग्रेटर देन हमने किया था इसीलिए नहीं ले रहा है, इक्वल टू कर देंगे तो ले लेगा वो। ठीक है, ये लीजिए, ले लिया, तो ये ग्रेटर देन में काम आएगा। ठीक है, इधर है लेस देन, कि इससे लेस देन ही होना चाहिए, इससे जो है छोटा वैल्यू डालेगा तो यहां पे ले ले, छोटा वैल्यू अगर ना डाले तो ना ले। ठीक, तो लेस देन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब यह है ना कि ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो, 10,000 के या तो बराबर फीस जमा करे या तो 10,000 से ज्यादा फीस जमा करे तो ले लो, मैंने कर दिया ओके। ठीक, अभी मैं 10,000 लिखा, एंटर मारा तो अभी ले लिया, क्यों, क्योंकि ये 10,000 के बराबर है, यहां पे जो वैल्यू टाइप है वो 10,000 के बराबर है तो इसलिए ले लिया। अब 10,000 से मैं नीचे टाइप करूंगा तो नहीं लेगा, 9 कर दो तो ज्यादा हो गया, इतना कर दूं तो ये कम हो गया 10,000 से, एकदम ही कम हो गया, मजा नहीं आएगा, भड़क जाएगा फीस लेने वाला आदमी। ठीक है, नहीं ले रहा है ये। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इसका इस्तेमाल आप कर लोगे। ठीक, नंबर में और देख लेते हैं क्या है जी, यहां पे आऊंगा, ग्रेटर देन है और अब है लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन हो या फिर बराबर हो तो एक्सेप्ट करो, अन्यथा ना करो। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो क्लियर है ये नंबर वाला, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सच में क्लियर है नहीं है, सच में है, चलो जी, जब सच में क्लियर है तो डेसिमल वैल्यू में भी वैसा ही है, वही सेम कंडीशन, जो नंबर में कंडीशन था वही है डेसिमल में। ठीक है, मान लो मैं बिटवीन ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं 1, यहां पे कर देता हूं, यहां पे एक लिख के एंटर किया। ठीक है, ये देखिए ले लिया। ठीक है, नंबर के केस में आके मैं कर देता हूं एंटर, अब नहीं ले रहा है, ये है अंतर नंबर और डेसिमल में। ठीक, आपको डेटा डेसिमल में चाहिए तो
आप रुपए पैसे में ले रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो डेसिमल। तो डेसिमल का मतलब भी वही है, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है जो नंबर में कंडीशन था, ठीक। तो ये कंडीशन एक एक करके मुझे बताने का जरूरत है नहीं है? हाँ नहीं है ना, है कुछ बोलोगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा। जरूरत है बताने का ये टोटल कंडीशन, या फिर मैंने जो नंबर के केस में कंडीशन बताया, नंबर सेलेक्ट करके जो कंडीशन यहाँ पे बताया, इसी कंडीशन के आधार पे डेसिमल भी काम करेगा, ठीक है। सेम उस इसका मीनिंग वही है जो नंबर का था, ठीक है। तो जरूरत है मेरे को एक एक बताने का या नहीं है? अच्छा जरूरत है, ठीक है जी। बिटवीन में जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल रहेगा, बिटवीन में क्या करेंगे, मिनिमम दे देंगे। मतलब मिनिमम में मान लो 10 रुपये 50 पैसे से शुरू करें, ठीक है, और फिर 20 रुपये 50 पैसे दे दे, ठीक, कर दिया, ओके। अब यहाँ पे मैं 9 रुपये देता हूँ, ठीक है, और दे देता हूँ 80 पैसे, बोल दिया नहीं लूँगा, जो मैं बोला हूँ वो दो। मेडिकल वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, मैंने जो बोला वो चाहिए। 10 रुपये 4 पैसे मैं दे देता हूँ, फिर भी बोल रहा है ना, मेरे को तो 50 पैसे चाहिए, 40 पैसे नहीं चलेगा, चलो भाई ले लो, तो ले लिया देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें काम कर लोगे। मैक्सिमम में कितना, 20 रुपये दिया था ना, चलिए जी 20 रुपये 50 पैसे ले लिया, लेकिन वही 21 रुपये दे दूंगा तो बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। क्या मतलब, मेरा 1 रुपये हो तो मैं छोड़ता नहीं, मेरा ना हो तो करोड़ रुपए मुझे नहीं चाहिए, ठीक। तो वही बोल रहा है ये कि मैं लूंगा तो इसी के बीच में लूंगा, अन्यथा मुझे चाहिए ही नहीं। दूसरे का करोड़ों रुपए नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरा 5 पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। किस फिल्म का डायलॉग था जी? नहीं मालूम, रियल जैकपॉट गोपी चंद का था ना। चलो बढ़िया है। डेसिमल के बाद आता है लिस्ट, ठीक। लिस्ट वैलिडेशन, इसका क्या मतलब है जी? मैं क्या चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है ना, मैं आता हूं यहां पे, डिलीट कर देता हूं सारा क्लास और इन सारे नंबर्स को डिलीट कर देता हूं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि आ जाऊंगा क्लास में, क्लास में मैं क्या चाहता हूं ना कि डीसीए या तो पीजी डीसीए का ही लोग एंटर कर पाए, तीसरा कोई एंटर ना कर पाए, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे आऊंगा, इधर कर दूंगा लिस्ट वाले में क्लिक, ठीक है। यहां पे आऊंगा, ये बोल रहा है सोर्स, मैं क्या दे दूंगा, डीसीए कॉमा पीजी डीसीए, ठीक है, ओके। यहां पे आऊंगा, डीसीए सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर यहां पे पीजी डीसीए सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर करूंगा तो कुछ भी मैसेज दे देगा वो, ठीक, दे रहा है ना। तो कुछ भी मैं नहीं कर सकता, जब होगा तो डीसीए, ठीक। इस तरह से आप जो है लिस्ट वैलिडेशन कर लोगे जी, ठीक। बड़ा आसान काम है ना, बड़ा आसान काम है जी। उसके बाद क्या करूंगा जी, मैं फिर से आऊंगा वैलिडेशन में। अब लिस्ट वैलिडेशन इतना करके मजा नहीं आया, इसमें चाहो तो आप ऐसे दे दो, ठीक है, यहां पे आ जाओ, डबल कोट में भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे, इसको आखिरी में आके दे दो ऐसे, ठीक है, तो भी यहां पे आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा डबल कोट में ही ये, ठीक है। तो डबल कोट आप लोग मत देना, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। सवाल ये आता है ना अब कि मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, बहुत सारा कोर्सेस है, ठीक, तो क्या हम लिखते रहेंगे यहां पे जैसे डीसीए बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए पीएचडी और कुछ कोर्स का नाम बताओ, MSc IT, ठीक है। इस तरह से क्या हम लिखते रहेंगे? मजा नहीं आएगा ऐसे लिखेंगे तो,
नहीं आएगा ना। ये देखिए आ गया इतना सारा। तो इस तरह से लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं ना कि बहुत अच्छा होता कि एनी वैल्यू ओके, ठीक, गायब हो गया ड्रॉप डाउन वगैरह यहां से। मैं क्या चाहता हूं ना कि इस सीट में क्या होगा, क्लास का नाम यहां पे, और यहां पे डिफाइन कर दूंगा मैं डीसीए, पीजी डीसीए, बीसीए, ठीक है, एमसीए, जो भी है, एमबीए, ठीक है, जो भी है मैं यहां पे लिख दूंगा सारा, ठीक है। शिफ्ट अप एरो दबा के सेलेक्ट कर लूंगा सारा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि वही वैलिडेशन सेम यहां पे लग जाए, ठीक है, डेटा उठाए यहां से, ठीक। तो ऐसा कर लेता तो बहुत आसान था ना। चलिए जी, वैलिडेशन पे मैं जाऊंगा, लिस्ट वैलिडेशन पे आऊंगा, लिस्ट पे जाना है ना, यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है। सोर्स यहां पे मैं आऊंगा और क्लिक कर दूंगा इस पे, क्लिक तो मैं कर नहीं पा रहा हूं तो इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक, और आ जाऊंगा इस पे। मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूं इस पे, नहीं आ सकता क्या इस पे, तो बहुत ना इंसाफी है जी, ऐसे ये करेगा तो मजा नहीं आएगा। ये मॉडल डायलॉग बॉक्स है क्या, इस पे आने नहीं दे रहा है, ये तो ना इंसाफी कर रहा है मेरे साथ। नो प्रॉब्लम, जुगाड़ लगाएंगे, अगर ऐसे नहीं काम करेगा तो। ये वाला चाहिए, यही लिस्ट चाहिए हमें, यहां पे आऊंगा, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स बोल रहा है इस पे, ये ओपन नहीं कर रहा है ऐसे, मेरे को मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ आइडिया आ जाए, ठीक है, ताकि हमारा काम चल जाए, ठीक है, आइडिया कुछ आ जाता तो कितना अच्छा था। ये आने क्यों नहीं दे रहा है, चलो जी ये आने नहीं देगा, ये तो बहुत नाइंसाफी कर रहा है ये मेरे साथ। लिस्ट सोर्स, इसको मैं सिलेक्ट कर लूं, अब ये तो सिलेक्ट मैं कर लिया, ओके, अब यहां पे ये लगा दिया जो कि बिल्कुल बेकार है, ठीक है। चलिए जी सारे में ये लगा चुका है, ठीक है, मैं जेड कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं, ठीक है, यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ कुछ रूल्स को, ठीक है, ताकि ऊपर आ जाए, आ गया। अब यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, वैलिडेशन, ठीक है, सोर्स अब तो सेलेक्ट कर ही सकता हूँ, क्या, ठीक है, अब कर दूंगा इसको ओके, तो यहाँ पे लग गया वैलिडेशन, ठीक है। लेकिन मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ये अदर जगह पे होता तो कितना अच्छा होता, होता अच्छा ना, लेकिन ये तो यहाँ था, मज़ा नहीं आया जो है। चलिए हम कोई जुगाड़ खोज लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आप जो है सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा ना, ये देख लीजिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना बड़ा आसान काम है, आप लोग तो कर ही लोगे जी, ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो जाएगा। चलिए जी, हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है जी, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। लिस्ट वाला समझ में आ गया सबको, नहीं आया, नहीं आया,
चलिए मैं इसको हटा देता हूँ फिर, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे कर दूंगा जी, क्लियर कर दो सब कुछ, नहीं चाहिए मेरे को वैलिडेशन। ठीक है, आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, ठीक है, इस पे आऊँगा, ठीक है, लिस्ट वैलिडेशन, ठीक है, इस पे आ जाऊँगा, बोल रहा है सोर्स, तो यहाँ से मैं ले लूँगा सोर्स को, ठीक है, इतना ज्यादा वैल्यू मैं दोबारा सिलेक्ट कर दिया क्या? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? ओके कर दिया, ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेना, बड़ा आसान काम है ये, ठीक है, हो जाएगा जी। ठीक उसी तरह से आप फीस में भी वैलिडेशन लगा लो, पिन कोड में भी चाहोगे तो लगा सकते हो कि जी सिर्फ इसी पिन कोड वाला एंटर कर सकता है डेटा, ठीक है, या फिर पिन कोड में भी कुछ लिस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना? चलिए जी, हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है जी। फिर से आता हूँ मैं वैलिडेशन में, डेट को देख लें क्या, डेट वैलिडेशन, वो सारा कंडीशन आपका यहाँ पे है जो नंबर वगैरह के केस में था, ठीक। यहाँ पे आपको डालना है स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे डालना है आपका इंड डेट, ठीक, मतलब इतना और इतना डेट के अंदर जो है आप डाल लोगे, ठीक, बिटवीन पे अगर रहेगा तो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे एक और कॉलम लिखता हूँ एच आर ई जी जी अंडर स्कोर डेट, ठीक आ गया। मैंने एक कानून क्या बना रखा है कि मैं आ जाता हूँ वैलिडेशन में, ठीक है, आ जाता हूँ डेट में, टाइम क्यों आ गया इसमें, ठीक है, और कानून में ये बना देता हूँ ना कि जब भी व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको, जून से लेकर के, फर्स्ट जून से लेकर के लास्ट जून तक वो काम करे, ठीक। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल के साथ ये दबा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है, और फिर या फिर इसको डिलीट करता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ, डी ए टी, डेट फंक्शन में लिख देता हूँ क्या, 2021 कॉमा जून, कौन सा महीना है, 6-7, छठवां लिखा महीना, डे कौन सा, पहला डे, ठीक, एंटर किया, यहां से स्टार्ट होना चाहिए जी, स्टार्ट, ठीक है, इंड कहां पे होना चाहिए जी, ये, ठीक। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा, क्या बोल रहा है, बैटरी खत्म हो गया, ओह नो, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहा है मेरे साथ, चलो हम इसके साथ भी नाइंसाफी करेंगे, चार्ज में लगाएंगे ही नहीं। ये जून कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का, क्या बात है, मुझे तो बहुत आता है। तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन डेट और यहां तक जाना चाहिए, इसके बाद कोई भी एडमिशन लेगा तो हम कह देंगे टाटा बाय बाय जाइए, ठीक, ठीक है ना। चलिए जी, अब यहां पे आ जाता हूं मैं, वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, यहां पे आ जाऊंगा डेट वैलिडेशन, ठीक है, स्टार्ट डेट बोल रहा है, मैं बोल दिया यहां से उठा लो, यहाँ पे बोल रहा है इंड डेट, मैं बोला यहां से उठा लो, फिर मैं बोल दिया क्या, ओके हो गया, ठीक। अब क्या मैं इसी डेट को यहाँ पे डाल सकता हूँ, दूसरा नहीं डाल सकता क्या, देखते हैं डाल के, आज का डेट आ गया, ये तो काम कर गया जी वैलिडेशन, ओह हमें भ्रम हुआ था कि काम कर गया है तो काम ही नहीं किया। चलिए तो हम क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पे छठवां महीना, ठीक है, दूसरा दिन 2021, एंटर किया, ले लिया जी ये, लेकिन ये किस फॉर्मेट में लिया मुझे ये पता ही नहीं चला। सेल फॉर्मेट में मैं जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मेट है,
मैं यहाँ पे ना कुछ फॉर्मेट ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट में लेता हूँ, ठीक, कर दिया मैं ओके, ठीक। ये देखिए दूसरा जून का ले लिया, इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, दूसरा के जगह पे 20वां करके एंटर किया तो 20 जुलाई हो गया, अरे जून हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूँगा, 6 के जगह पे मैं 7 करके देखता हूँ जी, ये बोल रहा है ना मुझे बेवकूफ़ समझा है तूने, नहीं लूँगा एडमिशन में। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, ज्ञानी आदमी हो, 20 जून ही रहने दो, तो ये कर लिया। यही डेट का मतलब है, बाकी तो आप लोग समझदार हो, ठीक है, तो कर लोगे आप लोग इस तरह से। अब सेम इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, पकड़ के कंट्रोल जेड ही करूँगा मैं, खींच लो ऐसे तो हर जगह लग गया वैलिडेशन, ठीक है। इसको और पकड़ के खींचता हूँ, ये तो जुलाई में चल गया, मजा नहीं आया, चला गया ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वैलिडेशन काम नहीं किया, इसमें वैलिडेशन नहीं लगा, वैलिडेशन तो लगा जी, क्या बोलते हैं उसको, 8वां कर दिया तो अगस्त हो गया जी, ठीक है। वैलिडेशन सिर्फ इसमें लगा हुआ है, ठीक, इसमें सेलेक्ट कर लो जी, फिर कर दो, ठीक। चलो तो ये सारा उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर होगा, डिलीट कर दो सारा, डिलीट, समझ में आया नहीं आया, आ गया नहीं आया, कोई दिक्कत अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, यदि दिक्कत नहीं है तो देखते हैं वैलिडेशन में और भी कुछ होगा तो। कितना समय हो गया, आप लोग भी मन में गालियां दे रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, बताइए आगे कुछ, कोई दिक्कत किसी को तो बताएं, नहीं है दिक्कत किसी को। टाइम का भी ठीक उसी तरह से वैलिडेशन होता है, जैसे डेट का किया ना वैसे टाइम का करो, सेम कंडीशन वही है, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, यहाँ पे आया बोल रहा है मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए था टेक्स्ट का, मैं बोल दिया 8 कैरेक्टर, मिनिमम कितना होना चाहिए जी, मैं कर दिया 20 कैरेक्टर, ठीक है, बोल दिया ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 एंटर, बोल रहा नहीं लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब तो लेगा, 20 कैरेक्टर से ऊपर भी ये नहीं लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 करूंगा नहीं लेगा, ठीक, तो ये नहीं ले सकता ऐसे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ले लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हो वैलिडेशन। जैसे कि 3 कैरेक्टर का कोई अपना नाम बता रहा है तो बोलना 3 अक्षर का कहीं नाम होता है, मुझे बेवकूफ समझा है, ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा जी, बड़ा आसान काम है टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट का जो लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारा है जो है, ठीक है, है यहाँ पे बहुत सारा, इक्वल टू है, बिटवीन है, पता नहीं क्या क्या है, मैं इक्वल टू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आधार नंबर कितने का होता है, 8 कैरेक्टर का, कितने का, 8 का होता है, 12 का होता है जी, कर दिया एंटर, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर करके कर रहा हूँ तो नहीं ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटर करूँगा, ले लिया जी, ठीक है, पर एक कुछ और ही ले लिया है अभी, ठीक है, तो इस तरह से ले लिया है। इसको नंबर फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो चाहो तो ऐसे, ठीक है, और जो 00 दिखा रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है, ऐसे, तो ये नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है, टेक्स्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इससे अगर ज़्यादा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर भी नहीं लेगा जी, तो एकदम उसको एग्जैक्ट चाहिए 12 डिजिट, ठीक। इससे क्या होगा जी कि हमारा आधार नंबर कभी गलत नहीं होगा, अब गलती ये 12 ठो बता देगा तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो हो गया ना टेक्स्ट लेंथ। बाकी कर लेना आप, एक ठो मैं अभी जो है छोड़ रहा हूँ,
कस्टम वैलिडेशन। कस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला आप डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेंथ का ही मैं किया ना, तो लेंथ का मैं कस्टम करके बताता हूँ कि कैसे हो सकता है शायद, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए यार, मुझे तो कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, देखते हैं करके। आपको मैं एक लेंथ फंक्शन बताया था ना, इक्वल टू का साइन दिया, फिर लेन फंक्शन किया था, फिर टैब मार के इसमें कुछ आप टेक्स्ट डाले थे, मैं ये करके कर दिया एंटर। नो, इसमें तो मैंने वैलिडेशन लगा रखा है। यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू का साइन, लेन किया, 10 लिखा, ऐसे किया, तो दो लेंथ बता रहा है ना। तो हम लेंथ फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लिया करेंगे जी, कैसे, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने मन चाहे कुछ ट्राई करना, बाकी तो मैं कल बताऊंगा ही जी, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू का साइन दूंगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं तो, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा कि लेन फंक्शन था ना, एल ई एन, इसमें किया, बोल रहा है सोर्स, ठीक है। तो सोर्स में कुछ दे दूंगा, ऐसे ऐसे दे दिया सोर्स, ठीक है। और फिर इक्वल टू किया, इसको होना चाहिए कितना, 10, ठीक, कर दिया एंटर। अब ये वाला सिलेटस है ना, 1 2 3 4 5 6 ले लिया दिए, तो क्या मजाक है, मजा नहीं आया मेरे को। कस्टम, ठीक है, और मैं लिखा कहाँ था, मुझे वही नहीं याद है, मैं सीट नया लेके पहले वाले में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाऊँगा जी मैं, ठीक है, ये किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा जी, वही फॉर्मूला फिर से लगा लूँगा मैं, एलियन, मैं क्या करूँ, एक मिनट पॉज करता हूँ, इसको चार्जर में लाता हूँ, ठीक है। रिज्यूम तो मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं फिर से वैलिडेशन आपको इसको बताता हूँ। ये भी नहीं लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर। कितना मैं दिया था वहाँ पे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर किया तो हाँ 8 दिया था, ठीक है। वैलिडेशन में मैं आता हूँ, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला क्या लगाया था, ये लगाया था, पिछले बार क्यों नहीं काम किया, क्योंकि लेन को मैं क्या बोलते हैं उसको ऐसे लिख दिया था, ठीक है। एंटर कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर किया, बहुत नाइंसाफी है, ले नहीं रहा है, बताओ क्यों नहीं ले रहा है जी, हमने लगा दिया वैलिडेशन, ठीक है। तो ले लिया मैं, यहां पे आया, ठीक है। अभी मैंने इसको मैं करता हूँ एल ई एन लोअर में कर देता हूँ ऐसे, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर किया, ले लिया जी, ठीक है। कस्टम, अच्छा मैं दूसरे सेल में फिर से एंटर करके चला गया हूँ ना, इसी में मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर से ये अपर में ही ले रखा है, सब खत्म करता हूँ मैं और कर देता हूँ यहाँ पे एनी वैल्यू एंटर, ये वैलिडेशन खत्म। इसमें मैं आता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में, यहाँ पे आ जाता हूँ कस्टम में, यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू का साइन एल ई एन, दे दूंगा यही सेल एड्रेस। फिर इसमें क्या करूँगा, इक्वल टू करके दे दूंगा, 8 कैरेक्टर होना चाहिए जी, एंटर, 1 2 3 4 नहीं लिया जी, ठीक है। उसमें हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं सेल एड्रेस जो है ना कंफ्यूज हो गया हूँ, सेल एड्रेस में फिर खुद से अपर कर लिया है, हो सकता है कि मैंने फंक्शन गलत दिया हो या फिर सेल एड्रेस में बदल दिया हूँ और ट्राई किसी और पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कस्टम वैलिडेशन इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं जो है और कल बताऊँगा जो है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ ना आप लोग कि पिछला ऐसा कोई जो समझ में नहीं आया, फिल्टरिंग पता नहीं क्या क्या, गेट एक्सटर्नल डेटा वैलिडेशन, कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, अगर हाँ तो बताइए समझ में क्या नहीं आया, और ना तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, ठीक। अगर ना तो बताइए जी, मैं फिर इसको कर दूँगा बंद, ठीक, बताइए।
कोई समस्या किसी को? हाँ ना हो गया, कोई समस्या नहीं है ना? है फिर चुपचाप जी, कुछ कहोगे तब मुझे समझ में आएगा, कुछ बोलोगे ही नहीं तो मैं क्या कैसे करूंगा फिर? मैं मान लेता हूं कि किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक? हाँ ठीक है जी, चलिए।